शाहरुख खान का मैजिक थिएटर्स को शानदार कमाई वाले दिन दिखा रहा है। लगातार दो वीकेंड धुआंधार कमाई करने के बाद जवान की कमाई 12वें दिन भी सॉलिड बनी रही। दूसरा सोमवार देख रही जवान ने सिर्फ डबल डिजिट में ही कलेक्शन नहीं किया बल्कि इस हफ्ते भी दमदार कमाई का रास्ता खोल लिया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान थिएटर्स में इतिहास रच रही है। लगातार जनता को सॉलिड एंटरटेनमेंट दे रही ये फिल्म पहले दिन से ही सिनेमा हॉल्स में खूब भीड़ जुटा रही है। ओपनिंग वाले दिन से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही इस फिल्म ने लगातार दो वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर खूब कलेक्शन जुटा लिया है। पहले हफ्ते में तो फिल्म ने दमदार कमाई कर ही ली थी, लेकिन दूसरे हफ्ते की परफॉर्मेंस से तय होता है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का साइज कितना बड़ा होगा। और दूसरे सोमवार जवान की कमाई के आंकड़े बताते हैं कि शाहरुख की फिल्म अभी कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। रविवार को 37 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करके आ रही जवान को सोमवार के दिन भी थिएटर्स में अच्छी ऑडियंस मिली। 12वें दिन फिल्म की कमाई 60% से कम ही गिरी, जो बॉक्स ऑफिस पर इसकी अच्छी सेहत का संकेत है। दूसरे वीकेंड में 80 करोड़ से ज्यादा कमाकर आ रही जवान ने सोमवार को भी सॉलिड कमाई की। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म ने 12वें दिन 15 करोड़ से 17 करोड़ रुपए के बीच कमाई की। इसके साथ ही जवान ने भारत का नेट कलेक्शन 493 करोड़ रुपए से ज्यादा कर लिया है। मंगलवार को फिल्म का नेट कलेक्शन बड़े आराम से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। शाहरुख पहले बॉलीवुड एक्टर बन जाएंगे जिनकी दो फिल्मों ने एक ही साल में 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। हिंदी वर्जन से जवान का कलेक्शन दूसरे सोमवार की कमाई के बाद करीब 430 करोड़ रुपए हो जाएगा। जवान ने तेलुगु और तमिल वर्जन मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है। अभी तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म ये कमाल नहीं कर पाई है और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। साउथ के 5 राज्यों में फिल्म के तीनों वर्जन की कमाई जोड़ी जाए तो जवान यहाँ 150 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये कमाल अभी तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं कर पाई है। शाहरुख की फिल्म सिर्फ इंडिया में ही शानदार कमाई नहीं कर रही बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का तूफान जारी है। सोमवार के बाद ओवरसीज मार्केट में जवान की कमाई 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ली। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की फिल्म 12 दिनों में 880 करोड़ रुपए के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसी साल शाहरुख की फिल्म पठान ने भी वर्ल्ड वाइड 1053 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। जवान भी बहुत तेजी से 1000 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। इस माइलस्टोन को पार करने वाली ये शाहरुख की दूसरी फिल्म होगी। इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।